जिसकी आशंका थी आखिर वही हो गया। सिंह वेंशन के समर्थक और प्रिंस खान के आदमी कथित रूप से धनबाद जेल में भिड़ ही गए। गनीमत रही कि मामला बढ़ने के पहले ही नियंत्रण पा लिया गया। फिलहाल जेल की हालत काबू में है। रविवार की दोपहर अचानक धनबाद जेल की पगली घंटी बज उठी। उसके बाद तो प्रशासनिक महकमा रेस हो गया। पुलिस की गाड़ियां सीधे जेल के गेट के अंदर ताबड़तोड़ घुसने लगी। सड़क किनारे खड़े लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते चप्पे चप्पे पर पुलिस का कब्जा हो गया। दरअसल जेल के भीतर दो गुट भिड़ गए थे। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी का जांच हो रहा है अभी। जी सर, कुछ लोगों में लड़ाई हुआ था तो उसी का जांच चल रहा है। किसके बीच में हुआ सर? कुछ लोग का नाम है अभी बता दिया जाएगा। जेलर साहब को बताया गया। क्या उसमें कुछ घायल हुए क्या सर? घायल नहीं, हल्का फुल्का चोट। अरे तो आईडी मार कर क्या करे? आईडी सुने घायल है सर? नहीं घायल है सर, कुछ नहीं है। एक खेलानी चेकअप, ठीक है? किनके किनके बीच हुआ कुछ जरा सा जिसके जो बता दिया जाएगा। अभी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है उन लोगों का। सूत्र बताते हैं कि मारपीट जिन दो गुटों में हुई है उनमें एक सिंह मेंशन का समर्थक है तो दूसरा प्रिंस खान का आदमी। हालांकि आधिकारिक रूप से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कैदियों में मारपीट हुई है, कोई बड़ा मामला नहीं है। मारपीट करने वालों का सत्यापन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रिंस खान ने वीडियो वायरल कर सिंह मेंशन को धमकी दी थी। उसके बाद से ही जेल में हल्का तनाव चल रहा था, लेकिन ये तनाव आज मारपीट में बदल गया। जेल के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से जांचा जा रहा है। उसके बाद देखा जाएगा कि किसने मारपीट की शुरुआत की और उसके बाद आखिर हुआ क्या। सूत्र बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में प्रथम दृश्य पाया गया है कि विनोद सिंह नामक युवक जेल में अकेले जा रहा था, जिसे रोककर दो बंदियों ने मारपीट की। उसके बाद विनोद सिंह अपने समर्थकों के साथ उसे पीटने वाले गुट पर हमला बोल दिया। ये झड़प दो चक्र में हुई। सूत्रों पर भरोसा करें तो जेल के भीतर अनवर हथेला और विनोद सिंह के बीच झड़प की शुरुआत हुई। विनोद सिंह मेंशन का समर्थक बताया जाता है। कहा गया कि वो पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में है। अनवर हथेला प्रिंस खान गुट का सदस्य बताया जाता है। पुलिस ने हाल ही में उसे जेल भेजा है। घटना में किसी गंभीर चोट लगी है। वैसे ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि प्रिंस खान ने वीडियो वायरल कर सिंह मेंशन को बलिया भेज देने की धमकी दी है। इसके पहले भाजपा नेत्री राजनी सिंह ने प्रिंस खान और अमन सिंह पर रंगदारी के लिए आतंक फैलाने की बात कही गई थी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।